छात्रों, आप सभी का शारदा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का अध्ययन करेंगे क्लास ट्वेल्थ के लिए। एल्डिहाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय CHO, CHO को हम एल्डिहाइड कहते हैं। और कीटोन क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन आपके यहाँ लेसन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे पहले जानना यह है एल्डिहाइड वह कार्बनिक यौगिक है, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कीटो समूह दिए होते हैं, वह कार्बोनिक यौगिक यौगिक जिसमें वे कार्बोनिक यौगिक जिसमें कीटो समूह दिए होते हैं वे कार्बोनिक यौगिक जिसमें कीटो समूह दिए होते हैं उन्हें हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। परिभाषाएं हैं एल्डिहाइड कीटोन के लिए। सबसे पहले हमको कार्बोनिल यौगिक जानना होगा कि कार्बोनिल यौगिक होता क्या है। तो एक कार्बोनिक यौगिक जिसमें कीटो समूह दिए होंगे उन्हें हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। सभी लोग ध्यान समझिएगा, क्लास ट्वेल्थ में इसमें क्लास ट्वेल्थ में एल्डिहाइड और कीटोन दिया गया है। एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, इसी के बारे में बात करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कार्बोनिल यौगिक को जानना है। तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कीटो समूह दिए होते हैं उन्हें हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब जिसका सामान्य फार्मूला, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सी समूह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऑक्सी समूह के नाम से जानते हैं। फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n और O। उसका सामान्य फार्मूला CnH2n और O होता है, जहाँ नंबर जो होता है आप लिखेंगे, जहाँ n इक्वल भी 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, इसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा। यानी ये आपको क्या कहलाएगा? कार्बोनिल यौगिक कहलाएगा। हेडिंग आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिक को कवर कर, कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण हेडिंग आपका है कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। इंग्लिश में कहेंगे इसको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हमें जानना यह है कि कार्बोनिल कंपाउंडों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ये हेडिंग है, इसी को आप समझिएगा। वर्गीकरण किया गया है, यानी हम कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। तो आप जानेंगे कार्बोनिल यौगिकों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में? कार्बोनिल यौगिक को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है हमारा एल्डिहाइड और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है? कीटोन। एक के लिए है एल्डिहाइड और दूसरा क्या है? कीटोन। यानी सबसे पहले दो भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया। किसको? कार्बोनिल यौगिकों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। कार्बोनिल यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक कार्बोनिल को दो भागों में बांट दिया गया। नंबर एक जो आपका होता है वो कीटोन एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डी
एल्डिहाइड है, और दूसरा जो आपका है क्या है, कीटोन। कीटोन तो एल्डिहाइड क्या होगा, इस बात को देखना है। वह कार्बोनिल समूह जिसमें कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं, एक साथ में जुड़े होते हैं, उन्हें हम एल्डिहाइड कहते हैं। यानी वह कार्बोनिल, यार एल्डिहाइड क्या है आपसे पूछ लिया जाए, एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड लेशन आपका है और कीटोन। तो वह कार्बोनिल समूह जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं, तो इस प्रकार के समूह को हम एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड क्लियर हो गया स्टेटमेंट, अब आप लिखिएगा। स्टेटमेंट आपको लिखना है, ध्यान देते रहिए और नोट करते रहिएगा। एल्डिहाइड कीटोन है, सबसे हेडिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड। इनमें कार्बोनिल समूह, कार्बन, हाइड्रोजन कहेंगे, इनमें कार्बोनिल समूह कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, इनमें कार्बोनिल समूह कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं, इन्हें हम एल्डिहाइड कहते हैं। अर्थात हम कह भी सकते हैं एल्डिहाइड का जो सामान्य फार्मूला होता है CHO, अर्थात एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। यानी कह दिया एल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, तो आप कहीं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग, परस्पर संयोग हो जाते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। लेकिन मैंने कहा किया कि इसमें कार्बोनिल समूह कार्बन हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हम एल्डिहाइड कहते हैं, अर्थात एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है, CHO। और जब हम CHO का एल्डिहाइड का नाम करते हैं, IUPAC में नाम इसका करते हैं, तो हम N से E को हटा देते हैं और AL लगा देते हैं। क्या करते हैं, N से E को हटा देते हैं और IUPAC इसका नाम बढ़ करने के लिए IUPAC सिस्टम में, इसमें IUPAC सिस्टम में एल्डिहाइड का केस ये होता है कि यहाँ से एल्केन होगा, यानी एल्केन में E को हटा करके क्या किया जाता है, AL लगाया जाता है। AL क्या होगा, दैट इज सफिक्स आप जानेंगे तो LK नल हो जाएगा, क्या होगा, एल्केन नल होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे करेंगे। हमने आपसे कहा कि इसमें कार्बोनिल समूह कार्बन हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं, अर्थात एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह से जो होता है, इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। अगली हेडिंग आपकी है कीटोन, क्या है अगली हेडिंग आपकी है कीटोन। इतनी बातें जान गए, IUPAC करना हो एल्डिहाइड का, तो लास्ट में ही कोटाने के बाद AL लगा दिया जाता है। अब ये हेडिंग आपकी क्लियर हो गई। आगे आपकी अगली हेडिंग है कीटोन, क्या नाम है, कीटोन है, कीटोन, कीटोन दिया गया है। कीटोन का सबसे पहले आप स्टेटमेंट समझिए, कीटोन एल्डिहाइड हो गया और है कीटोन। कीटोन में कहेंगे कि कार्बोनिल समूह, यदि कार्बोनिल समूह दो कार्बन परमाणु से जुड़ रहे होते हैं, कार्बोनिल समूह दो कार्बन परमाणु से जुड़ रहे होते हैं, तो उसे हम कीटोन कहते हैं, कीटोन कहते हैं। यानी क्या हो गया, स्टेटमेंट देखिएगा, इनमें कार्बोनिल समूह, इनमें कार्बोनिल समूह, इनमें कार्बोनिल समूह, इनमें कार्बोनिल समूह, इनमें कार्बोनिल समूह दो कार्बन
परमाणु से। कीटोन के लिए, कीटोन की परिभाषा आप लिखेंगे, कार्बोनिल समूह दो कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, परमाणु से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, क्या करते हैं, जुड़े होते हैं, अर्थात कीटो समूह उपस्थित होते हैं, अर्थात कीटो। यानी कीटोन के लिए आप समझे ये कार्बोनिल यौगिक जिसमें दो कार्बन परमाणुओं से कार्बोनिल समूह जुड़े होते हैं उसे हम कीटोन कहते हैं। आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल, आपका है फॉर एग्जांपल के लिए है कीटो समूह, यानी कीटो ग्रुप क्या कहेंगे। कीटो ग्रुप में होता यूं ही है, कार्बन परमाणु दिया गया है और कार्बन परमाणु कीटो समूह जो होते हैं तो कार्बन परमाणु से जुड़ रहे होते हैं, इसीलिए इसका नाम कीटोन रखा गया। इसका क्या नाम है तो आप कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप है। क्या नाम है? कार्बोनिल समूह। क्या नाम है? कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। से आपका ये कार्बोनिल समूह हो गया। कार्बोनिल समूह के साथ में आपको क्या होगा, अगला होता है सीएचओ कह दिया गया, एनएच सी, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह आपका हो गया है। अगला आपका हो जाता है एल्डिहाइड हो जाता है, यानी हम एल्डिहाइड का फॉर्मूला आप जानते हैं आर सी एच ओ होता है, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। और एल्डिहाइड के बाद क्या होता है, अगला आपका हो जाता है कीटोन। क्या होता है? एल्डिहाइड के बाद में हो जाता है कीटोन। एल्डिहाइड हो गया और एल्डिहाइड के बाद में आप देखेंगे कीटोन आपका होगा। कीटोन में आप देखते हैं कि इसमें दो कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, आर आर करके, एक आर होगा तो एक आप समझिए आर डैश हो जाएगा, है ना। हालांकि इस प्रकार से जुड़ रहा होता है तो इसका नाम क्या होगा, कार्बोनिल समूह आपका हो गया, एल्डिहाइड हो गया और क्या होगा, कीटोन हो जाएगा। यानी हमने आपसे कहा कीटोन के लिए स्टेटमेंट, इनमें कार्बोनिल समूह में, यदि कार्बोनिल समूह में, इधर देखिए आप सभी लोग, कार्बोनिल समूह में दो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं होते हैं तो इसका नाम होता है कीटोन। कार्बोनिल समूह यह होता है और इस कार्बोनिल समूह में दो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं जिसका नाम कीटोन होता है। ऐसे कार्बोनिल समूह आपने देखा है, कार्बोनिल के बाद में क्या हुआ, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के बाद क्या होता है, कीटोन होता है। यानी कार्बोनिल समूह आपका ये हो गया और कार्बोनिल समूह के बाद में आर सी एच ओ एल्डिहाइड हो गया और क्या हो गया, कीटोन हो जाता है। इसे यानी कह दिया गया है इसमें आप सफिक्स में एल का यूज करते हैं आईपीसी करते समय और यहाँ क्या करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। तो ये बात की है जब आप आईपीसी करेंगे, अब इतनी बात आप समझ गए हैं, है ना। हमने एक बार और अपना बताना चाहते हैं एल कीटोन के लिए स्टेटमेंट, इनमें कार्बोनिल समूह में, किसमें, कार्बोनिल समूह में दो कार्बन परमाणु दिए होते हैं अर्थात कीटो ग्रुप से प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कीटोन कहते हैं। कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड है और कीटोन है। आगे कह दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का वर्गीकरण किया गया है, क्या है, हेडिंग आपकी है क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का वर्गीकरण किया गया है, किसका, कीटोन का वर्गीकरण किया गया है। कीटोन को ओवरऑल कितने भागों में बांट दिया गया है तो आप कहेंगे कीटो समूह के आधार पर कीटोन को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका होता है सिमेट्रिक और सिंपल कीटोन, एक होता है असिमेट्रिक यानी सममित कीटोन होता है, और दूसरा जो होता है हिंदी में बोलते हैं कीटोन का वर्गीकरण क्या है, यहाँ कीटोनों का वर्गीकरण हेडिंग है वर्गीकरण। कीटोन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया तो आप कहेंगे कीटोन का वर्गीकरण ओवरऑल दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो हमारा होता है हेडिंग, ये क्या बताता है, सममित कीटोन बताता है, सममित कीटोन, सममित कीटोन की इंग्लिश होती है सिमेट्रिक, क्या होगी, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहते हैं,
सिमेट्रिक कीटोन कहेंगे, और दूसरा होता है असममित, असममित कीटोन होता है। असममित कीटोन की इंग्लिश क्या होगी? अनसिमेट्रिक। क्या होता है? आप इसी को कह सकते हैं अनसिमेट्रिक। क्या होगा? ए अन मेट्रिक, यानी पहला आपका हुआ सममित कीटोन, दूसरा होगा आपका क्या? अनसिमेट्रिक असममित कीटोन होगा। ठीक है, एसिमेट्रिक ए एस वाई होता है, इसके लिए क्या? ए एस वाई, ए एस नहीं, एसिमेट्रिक ए एस। ठीक है, ए एस वाई एम डबल एम ई टी आर एस। ठीक है, एसिमेट्रिक, यानी इतनी बातें आप क्लियर कर लेंगे, सममित है और दूसरा क्या है? असममित है। यदि सममित के बारे में आप ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे और दूसरा हमारा है असममित, तो सममित और असममित, सममित आप नाम से क्लियर है कि यदि कीटो समूह से, किसे? यदि कीटो समूह से स्टेटमेंट लिखते रहिएगा, यदि कीटो समूह से एल्किल ग्रुप समान है तो इसका नाम हो जाएगा सममित। क्या हो जाएगा? सममित कीटोन कहलाएगा। सममित कीटोन क्या है? स्टेटमेंट आप सभी लोग लिखिए, है ना, स्टेटमेंट लिखते रहिए। एक सममित है और दूसरा क्या है? असममित है। सममित कीटोन के लिए यदि कार्बोनिल समूह, फर्स्ट के लिए यदि कार्बोनिल समूह, यदि कार्बोनिल, यदि कार्बोनिल समूह, यदि कार्बोनिल समूह जिसमें कार्बोनिल समूह जिसमें एल्किल ग्रुप यदि कार्बोनिल समूह यदि कार्बोनिल समूह जिसमें एल्किल ग्रुप समान होते हैं, समान उसे सममित कीटोन कहते हैं। सममित कीटोन क्लियर हो गया? कीटो समूह में एल्किल ग्रुप समान होते हैं उसे हम सममित कीटोन कहते हैं। ठीक, कीटो समूह आपका यह है, इसमें R यानी एल्किल ग्रुप समान हो रहे होंगे तो इसे हम सममित कीटोन कहते हैं। एग्जांपल में आप देखिए CH3 और CH3 ये किसमें आ रहे हैं? तो आप कहेंगे सममित कीटोन में आ रहे हैं। किसमें? सममित कीटोन में आ रहे हैं। ऐसे ही इसका अगला है क्वेश्चन C25 और कैसी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कह रहा है इसमें एल्किल ग्रुप क्या है? दोनों में समान आ रहे हैं, और जब समान आ रहे होते हैं तो इसका नाम हो जाता है सममित कीटोन। डाइमेथिल कीटोन क्या होगा? डाइमेथिल, डाइमेथिल और क्या होगा? डाइमेथिल कीटोन, इसका नाम हो गया CH3। CH3 आता है तो CH3 क्रियात्मक समूह जो होता है वो मेथिल को रिप्रेजेंट करता है, यानी टू टाइम्स हो रहा है तो इसका नाम होगा डाइमेथिल, है ना, डाइमेथिल कीटोन हो गया। इसका नाम होगा डाइएथिल और क्या होगा? डाइएथिल कीटोन, यानी एक वन टाइम के लिए मेथिल और एक के लिए क्या होगा? एथिल, यानी आप समझ गए डाइमेथिल कीटोन होता है और अगला क्या होता है आपका डाइएथिल कीटोन होता है। ठीक है, सममित क्लियर हो गया है, अब आपको समझना है असममित, असममित, असममित कीटोन क्या होगा। ठीक है, एक सममित होता है, दूसरा मेरा असममित होता है। असममित के लिए आप देखेंगे इंग्लिश होती है इसकी असममेट्रिक, असममेट्रिक। असममित कीटोन यानी यदि कार्बोनिल समूह में, क्या? यदि कार्बोनिल, यदि कार्बोनिल समूह में, समूह में, समूह जिसमें एल्किल ग्रुप
एलिकल ग्रुप भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, एलिकल ग्रुप भिन्न भिन्न होते हैं, उसे असममित, उसे असममित कीटोन कहते हैं, असममित कीटोन कहते हैं, असममित कीटोन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल असममित कीटोन के लिए CH3 और CH2। यहाँ आपका क्या हो गया, असममित कीटोन यानी कह रहा है कि वे कार्बोनिल समूह जिसमें कीटो, वह कार्बोनिल समूह जिसमें कीटो यानी कि एल्किल ग्रुप भिन्न भिन्न होते हैं, कार्बोनिल समूह के साथ में एल्किल ग्रुप भिन्न भिन्न हो रहे होते हैं, तो उसे हम असममित कीटोन कहते हैं। असममित का मतलब यहाँ देख रहे हैं एल्किल ग्रुप सेम मिल रहे हैं, जबकि यहाँ एल्किल ग्रुप क्या हो रहे हैं, डिफर हो रहे हैं। एक का नाम होगा एथिल और एक का नाम होगा मेथिल, इसलिए क्या हो रहे हैं, जब भिन्न भिन्न होते हैं तो इसका नाम हो जाता है असममित कीटोन हो जाता है। क्या होता है, असममित कीटोन हो जाता है। अब नंबरिंग आप कैसे करेंगे, नंबरिंग आप ऐसे करेंगे अल्फाबेट की गणना आप कर दीजिए, मेथिल सॉरी एथिल मेथिल कीटोन क्या होगा, एथिल और मेथिल और क्या हो रहा है कीटोन, ऐसे ही इसका नाम क्या हो गया, एथिल और मेथिल और क्या हुआ कीटोन हो गया, ऐसे ही लिखा है। अगला क्वेश्चन, C6H5 का नाम होता है फिनिल, क्या होता है, नाम होता है इसका फिनिल। तो आप देख रहे हैं नाम हो जाना चाहिए, आप एथिल मेथिल और एथिल मेथिल हो गया कीटोन, और ये C6H5 दिया है इसका नाम होता है फिनिल। तो नियरेस्ट में आप चेक कर लेंगे, तो चेक करते हैं तो इसका नाम हो जाता है क्या, मेथिल फिनिल कीटोन, क्या नाम होता है, मेथिल फिनिल कीटोन, मेथिल हो गया और फिनिल हो गया और क्या हो गया कीटोन, इसका क्या नाम हुआ, नाम आप लिख सकते हैं, मिस नहीं हुआ नियरेस्ट में है, यानी नाम इसका होना चाहिए क्या, मेथिल मेथिल और एथिल और क्या होना चाहिए कीटोन, इसका नाम हुआ मेथिल फिनिल कीटोन हो गया। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे सममित और असममित कीटोन क्या होते हैं। सममित कीटोन वे कीटोन होते हैं जिसमें एल्किल ग्रुप यानी कार्बोनिल समूह के साथ में एल्किल ग्रुप सेम आते हैं, उसे हम सममित कीटोन कहते हैं, और कार्बोनिल समूह के साथ में एल्किल ग्रुप भिन्न होते हैं तो उसे हम असममित कीटोन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा भी, यहाँ देखिए एल्किल ग्रुप क्या हो रहे हैं, भिन्न भिन्न हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम असममित कीटोन हो गया। ये आप देख रहे हैं इसमें क्या है, एल्किल ग्रुप भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसका नाम असममित कीटोन हो गया। यानी आपको सममित कीटोन और असममित कीटोन, इसके पहले हमने आपको बताया क्या, एल्डिहाइड और कीटोन बताया, और उसके पहले यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप आपको क्लियर हुआ, दूसरी हियरिंग आपकी है क्या, एल्डिहाइड और कीटोन है, तीसरा आप क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, कीटोन, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन है ना, यानी कह दिया गया इतने भागों में डिवाइड कर दिया, एक आपका होता है सेवेटिक कीटोन, एक होता है एसेवेटिक कीटोन, ठीक है। देखिए अगली हीरिंग हमारी आ रही है, नॉमन क्लेचर, नॉमन क्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइडों का नामकरण, एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। हेडिंग है एल्डिहाइड्स और कीटोन, यानी कहेंगे एल्डिहाइड योम कीटोनों का नामकरण, एल्डिहाइड और की
कीटोनों का नाम है। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दिए गए हैं, इसमें से हमें एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण करना है। किस प्रकार से हम इन सब का एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण करते हैं, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण करते हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान समझिए। पहला जो हमारा सिस्टम होता है वो ट्रिवियल सिस्टम होता है और दूसरा जो होता है IUPAC सिस्टम होता है। ट्रिवियल सिस्टम की हिंदी होती है निरर्थक नाम पद्धति, और IUPAC सिस्टम का नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योरिफाइड केमिस्ट्री सिस्टम, है ना। क्या चलो नहीं कह दिया गया, एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण किया गया है। एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहला स्टेप में रहता है ट्रिवियल सिस्टम, और दूसरा जो होता है ये IUPAC सिस्टम होता है। ट्रिवियल सिस्टम क्या होगा इस बात को सभी लोग ध्यान समझिए, हिंदी होता है निरर्थक नाम पद्धति। जब किसी कार्बनिक यौगिकों को IUPAC नाम किया जाता है तो IUPAC सिस्टम में आइसो सॉरी नॉर्मल आइसो नियो का प्रयोग कर दिया जाता है, तो इस सिस्टम को हम ट्रिवियल सिस्टम कहते हैं। ट्रिवियल सिस्टम क्या होगा तो आप कहेंगे कि जब किसी कार्बनिक यौगिकों का यानी एल्डिहाइड कीटोन में जब आप किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर रहे होते हैं तो उस समय आइसो नियो सॉरी नॉर्मल आइसो नियो का प्रयोग करते हैं, तो इस सिस्टम ट्रिवियल सिस्टम कहलाता है। ट्रिवियल सिस्टम में सभी कार्बन के यौगिकों को काउंट किया जाता है, और काउंट करने के बाद उन सभी का नाम किया जाता है, यानी इस पद्धति का नाम जो होता है वो ट्रिवियल सिस्टम कहलाता है। अब क्लियर हुआ होगा ट्रिवियल सिस्टम निरर्थक नाम पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें से इनका नामकरण करने के लिए हम आइसो नियो और नॉर्मल का प्रयोग करते हैं, ये हमारा ट्रिवियल सिस्टम कहलाता है। शेष क्वेश्चन इस पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे, ट्रिवियल सिस्टम। और IUPAC सिस्टम है, IUPAC सिस्टम इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, यानी कह दिया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इस पद्धति में IUPAC नाम करते समय एल्डिहाइड के लिए ई को हटा करके एल्केन से ई को हटा करके ए लगा दिया जाता है, यानी एल्केन में क्या करना है ई को हटाने के बाद ई लगा देते हैं, एल्डिहाइड का IUPAC नाम हो जाता है, एल्केनल हो जाता है। और कीटोन की बात है, कीटोन का जब हम नामकरण करते हैं तो ई को हटाने के बाद वन लगा देते हैं, कीटोन हो जाता है, यानी क्या कहेंगे आप एल्डिहाइड दिया गया होगा, एल्डिहाइड में CHO है, जैसे मान लीजिए CH3 है और CHO दिया गया है, इसका नाम होगा एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन। तो एथेन में हमको क्या करना होगा, सफिक्स में ए लगा देना होगा, यानी ई को हटाने के बाद ए लगाते हैं, एथिनल हो जाता है। यानी इस प्रकार से एल्डिहाइड का हो जाएगा क्वेश्चन IUPAC सिस्टम, है ना। हमने बताया ट्रिवियल सिस्टम वह पद्धति होती है जब ट्रिवियल सिस्टम का नामकरण किया जाता है तो आइसो नॉर्मल नियो का प्रयोग करते हैं, ये पूरी पद्धति ट्रिवियल सिस्टम हो जाती है, इसका क्वेश्चन हम आपको कर लेंगे। और IUPAC पद्धति दिया गया है तो इस प्रकार से आप इसमें भी जाने लगे, इस पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योरिफाइड केमिस्ट्री होता है, और यह एक स्टैंडर्ड पद्धति होता है जिसमें सभी प्रकार के कार्बन के यौगिकों का नंबरिंग किया जाता है ना, वर्ड आउट के अकॉर्डिंग, यानी कह दिया गया इसका है। तो आप देख रहे हैं कि दो कार्बन के लिए एथ हुआ, और एथ से हम ई को हटा दिए, क्या होगा एथिनल कर दिए, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए। किसी भी प्रकार का ऐसे ही क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ दिया गया CH3 CH2 और CHO लगा है, तो नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन के लिए होता है प्रोब, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन, यानी ओवरऑल प्रोब एन हो गया। अब एन से हमको ई को हटा देना है, क्या लगाना है, ए लगा देना, प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। तो यह एल्डिहाइड का रहा, तो एल्डिहाइड का नामकरण करने के लिए CHO होता है क्रियात्मक समूह, और सफिक्स क्या होता है एल होता है, इस प्रकार से कीटोन दिया है। तो कीटोन का जो सफिक्स होता है वन होता है, और जैसे कह दिया गया है एल्केन दिया गया है, एल्केन से हमको ई को हटा करके क्या करना है, एल्केन वन कर देना है, एल्केन वन कर देना है, जैसे आप देखिए CH3 लिखा है और सी लिखा है वो है और ये लिखा है, नाम आप क्या करेंगे, इसका नाम करेंगे प्रोप, तीन कार्बन के लिए होगा प्रोप एन, और टू क्या होगा वन हो जाएगा, प्रोप एन टू वन। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का क्वेश्चन आप समझिएगा, बता भी दिया गया किसी भी कार्बन काउंटिंग के लिए सबसे पहले नंबर को काउंट किया जाता है, उसके बाद एल्डिहाइड में CHO लगा होगा तो ई को हटाने के बाद ए लगाएंगे,
एल क्या होगा तो आप कहेंगे सफिक्स हो जाता है, एल इसके लिए सफिक्स होता है। और कीटोन में इस प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में जुड़े होते हैं इनके ग्रुप, तो यहाँ क्या होता है ओ एन हो जाता है इसका सफिक्स, ओ एन ई, ओ एन ई लगाते हैं, ई को हटाने के बाद ओ एन ई लगाते हैं। तो आज के लिए नामन क्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आज यहाँ क्लास होता है, और शेष आपको अगले क्लास में इसके क्वेश्चन प्रॉब्लम कराए जाएंगे। तो ट्रिवियल सिस्टम हो गया और दूसरा आपका आईयूपीएसी सिस्टम हो गया। आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन, धन्यवाद।